लड़कियां लड़के मुंह के ऊपर वो हरा रंग लगा के चले जाते हैं क्रिकेट मैच पे, तालियां बजाते रहते हैं, हार जाते हैं, फिर उसके बाद जवाब क्या, तुम जीतो यो हारो, सुनो सुन लो फिर। सबसे पहले बात करेंगे एशिया कप T20 के फाइनल के हवाले से, जिसमें कल पाकिस्तान हार गया और ऐसी हार से हारा भी देखे सुपर फोर के होंगे। बड़ा अफसोस हुआ है यार, दोनों टीम तो दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, इस एंकर की क्या बात करें भाई, बहुत ही मज़ेदार एंकर है, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इस एंकर का, हालांकि पाकिस्तानी है बट जब एंकरिंग में एंटरटेनमेंट का कॉम्बिनेशन बनता है तो इस तरीके के मतलब जो एंकरिंग होती है और मज़ा आता है इनको सुनकर। मैंने एक छोटा सा क्लिप और ऐड किया जिसमें अफगानिस्तान के लोग रिएक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की हार के बाद, तो आप समझ सकते हो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच क्या रिलेशनशिप है। मैंने पिछले वीडियो में बताया उस रिलेशनशिप के बारे में, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। बड़ा परेशान हूँ यार, पूरी रात मैं नहीं सोया, परेशान रहा। पाकिस्तान ने जब से क्रिकेट मैच के अंदर, मैं क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रही, मैं आई एम आउट ऑफ वर्ड्स। खैर एनीवे, वैसे भी हमारे क्रिकेट प्लेयरों के हाथों में सुराख है, कैच तो ये पकड़ नहीं सकते, तो नहीं वैसे ये बड़े होशियार बनते हैं। आप इनसे पूछें, वो जो कौन सा लड़का था जो लंदन की गलियों में डांस कर रहा था ढोल बजाने वाला, ये काम बहुत अच्छे हैं सर, इस किस्म के कामों में बहुत अच्छे हैं। एक आपका क्रिकेट प्लेयर, पाकिस्तान ने एक बड़ा मशहूर मैच हारा था, उसके बाद वो जुआ खाने में जुआ खेल रहा था, है ना, और लंदन की गलियों में वो बच्चा, क्या नाम क्या यार उसका, वो जो फड़क फड़क के डांस कर रहा था, ये काम करवा लो इनसे। और वो क्या नाम है यार उसका, वो जो शोएब मिर्ज़ा है यार, वो जो इंडिया की भाभी है, क्या नाम उसका, सानिया मलिक, नहीं मलिक, शोएब मलिक, प्रोफेसर, पता नहीं क्या क्या इन्होंने नाम रखे होते हैं, दर्द तके का खेल पेश नहीं करते, फिर कहते हैं कि यार मैं जज्बाती हो जाता हूँ। भाई मैंने जो बात की थी सही की थी कि अली भाई ने बाबर आजम के बारे में क्या कह दिया, इंडिया वाले मेरी क्लिप चला रहे, पाकिस्तान में वायरल हो रही है, लोग बोल रहे हैं यार इंडिया का एंकर कितना अच्छा है। इस पर सुनाऊँ क्या दो तीन तुम लोगों को, मैं पाकिस्तानी एंकर हूँ भाई, मेरा दिल रो रहा है यार, उन लोगों पर कोई असर ही नहीं होता ना, असर क्या होता है। लड़कियां लड़के मुंह के ऊपर वो हरा रंग लगा के चले जाते हैं क्रिकेट मैच पे, तालियां बजाते रहते हैं, हार जाते हैं, फिर उसके बाद जवाब क्या, तुम जीतो यो हारो, सुनो सुन लो फिर। खैर एनीवे, अब मैं और नहीं कुछ बोलूंगा क्योंकि इंडिया वाले मेरी क्लिप वायरल करते हैं और मैं नहीं चाहता कि दुश्मन जो है वो हमारी क्लिप लेकर उसको वायरल करे और मेरे मुल्क के लोगों का दिल दुखाए जो पहले से ही बहुत सख्त दुखा हुआ है। और रमीज राजा बोल रहा है अवाम ये के, रमीज राजा तो पकड़ में आ जाए किसी दिन, यकीन करो। अच्छा खैर एनीवे, छोड़ो अब इन बातों को, भूल जाओ, अब ये भूल जाओ, पाकिस्तानी भूलने में बहुत अच्छे हैं। एक हम बिछड़ी मोहब्बत को भूल जाते हैं, उसके बच्चे आके मामू कहते हैं, हम बड़े खुशी से कहते हैं बेटा क्या हाल है, ठीक हो, अब्बू कैसे, अम्मी कैसी, ठीक है ना, बिल्कुल वही कंडीशन हम लोगों की भी है ना, क्रिकेट मैच हार गया उसके, कोई नहीं, क्रिकेट श्रीलंका ने बड़ा अच्छा गेम खेला, हम मामू हैं, हम ठीक है, हम मामू बन के ठीक है, बिल्कुल सही है ना, श्रीलंका वाले जीत गए, बोले उन्होंने बड़ा आला गेम पेश किया, अबे तुम लोगों ने बेकार गेम पेश किया, उन्होंने क्या आला गेम पेश किया, उनको तो तुमने टाइम पे जो है वो सारा काम कर दिया था, मैच तुम्हें प्लेट में मिला पका पकाया, तुम हार के आ गए। श्रीलंका वालों ने गेम बड़ा अच्छा पेश किया, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था जिसके आखिर में हम हार गए, बिल्कुल जैसे बिछड़ी मोहब्बत होती है ना, यार हमारा तुम्हारा इश्क बड़ा अच्छा था लेकिन फिर तुमने मामू के बेटे से शादी कर ली और मैं तुम्हारे बच्चों के मामू बन गया। खैर एनीवे मूव फॉरवर्ड, अभी मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं उल्टी सीधी बातें कर दूंगा, इसलिए इशू पे आए। आज पाकिस्तान में यौमे सोग है, नहीं क्रिकेट आखिरी मैच में वो हारे, प्रैक्टिस मैच में हारे, देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स जो उनको सीखने की जरूरत थी, और फील्डिंग डे वन से हम यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं, तस्करा करना चाह रहा था कि भाई बंदे ने 68 रन बनाए और ये बताना चाहिए कि उनके 68 कितने इंपॉर्टेंट हैं। मतलब आप ये देखें कि कैप्टन इनिंग खेली, अच्छा 68, एक हैरान परेशान ना हो, 6 इनिंग्स में उन्होंने 68 रन बनाए,
एक में नहीं बनाए, यानी कि एशिया कप के पूरे जो मैचेस थे उनमें मिला के जो उनका स्कोर था वो 68 था। What is wrong with Babar? I don't know. मेरे ख्याल से हम उससे कैप्टेंसी ले लेनी चाहिए ताकि वो अपनी गेम पे जो है ना वो फखर जमान से क्या लेना चाहिए? फखर जमान से आई बिलीव मेरे ख्याल से थोड़ी सी वेकेशन में उनको भेज दिया जाए, एक जरा दो हफ्ते वो रेस्ट कर लें। खुशदिल को भी भाई देखे कभी कभी लक होती है ना, नहीं चल रहा तो खुशदिल को भी। आसिफ क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है मुझसे आप क्या पूछ रहे हैं भाई? मुझे नहीं, मैं तो ये देख रही हूँ कि एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। और कल स्पेसिफिकली जो बाबर आजम और फखर जमान ने देखा है कि इस पूरे एशिया T20 के इस फॉर्मेट में, आई डोंट नो बट दिस टाइम बोथ आप सोचिए उससे पहले आते आते इजहार हमदर्दी कर रहे थे। मेरे ख्याल में इनको विराट कोहली से हाथ नहीं मिलाना चाहिए था कि हाथ मिलाते हुए शायद दुआएं जो दे रहे थे वो फॉर्म इधर से उधर चली गई। अच्छा जी, खैर कल बाबर आजम और फखर जमान जिनकी वजह से मैंने देखा कि और इनफैक्ट जिन्होंने बड़े अच्छे रन जोड़े, रिजवान अगर वो भी इतना टुक टुक ना करते हो, मेरे ख्याल से सेल्फिश ना प्ले करते, ये देखते कि यहाँ पे शॉट्स लगाना जरूरी है। हमारे साथ मसला ये ना कि मतलब टीम नहीं खेलते, ठीक है, इफ्तिखार और रिजवान की पार्टनरशिप की वजह से मैच हारे जी बिल्कुल फॉर स्टार्टर्स। तो मैच तो हम हार गए, कप्तान का क्या कहना था जरा आपको सुनवाते हैं। जो सूरत हाल रही है कल का मैच, हम जैसे मोमेंटम के अलावा भी स्ट्रेटजी वाज मिसिंग, हमने देखा कि वो पांच हमने कितना अच्छा दरमियान में कहा ये जा रहा था कि जब वो सेट होना शुरू हुए तो उस वक्त सब कह रहे थे कि भाई आप स्पिनर्स के साथ साथ एक एंड से शादाब को रखें, दूसरे एंड से फास्ट बॉलर को लाएं ताकि मतलब थोड़ा सा एक चेंज ऑफ पेस हो, वेरिएशन हो। लेकिन कल बिल्कुल समझ में नहीं आई जिस तरीके से उन्होंने बड़ा अच्छा कमबैक किया, मैच स्टार्ट हुआ जिस तरीके से हमने विकेट लेना शुरू किया ऐसा लगा कि हम जीत गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाकी रिजवान ने सही बात की कि श्रीलंका प्लेड लाइक द चैंपियंस, खैर इस हवाले से बात करेंगे गलती कहां कहां पर हुई। हमारे साथ वो मौजूद है माइनस पिक स्निपर साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब, उनको शामिल गुफ्तगू के साथ में हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट और हमारे स्पोर्ट्स एंकर शुएब जट भी मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में, क्योंकि मैं इस वक्त इतनी सारी परफॉर्मेंस दोबारा वाकई मतलब दोबारा से मैंने वो जो सब देखा है ना कि तो मैं भूल हमारे साथ मौजूद है, लेकिन मैं इतनी पागल हुई हूँ, मैं भी टीम मेरी परफॉर्मेंस टीम जैसी हो रही है। तौसीफ भाई से स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू बाखबर सवेरा। तौसीफ भाई, हमने तो सुना था कि अगर आप टॉस जीत गए तो मतलब होता आप आधा मैच तो जीत गए। कल तो हम टॉस तो जीते ही जीते, हम तो जो थोड़ा बहुत हमें लगता था मैच जीते हुए शुरू में लग रहा था, हम तो वो भी हार गए। हुआ क्या कल, आपको क्या लगता है? लग रहा है सारा फोकस हमारा जो था वो टॉस पे ही था, और मेरा ख्याल है टॉस तो एक सभी कह रहे होते हैं कि ठीक है जीत गए, नहीं तो क्या, खेलने से मना तो हम नहीं कर सकते अगर टॉस आ जाए, कोई भी मना नहीं कर सकता। तो ये एक्सक्यूज गलत है। खराब कंडीशन में मुश्किल टाइम में ही आज प्लेयर का पता चलता है। हमने तो एक जैसी क्रिकेट खेली है पूरी, शुक्र है अल्लाह का कि हम पहुंच गए। दुआएं सती साहब ने मेरे ख्याल लेट दुआएं शुरू की है जो बात कर रहे थे, तो हम पहुंच जरूर गए, बट हमने इतनी अच्छी क्रिकेट तो थ्रू आउट नहीं खेली। हाँ। अच्छा फाइनल में पहुंचे हम जरूर है, ऐसे हमने इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। वी वर नॉट कंसिस्टेंट, अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी हमारा चल गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर आप इस मैच को 171 रन थे फिर उसके बाद बैटिंग के पर्सपेक्टिव से देखें, बॉलिंग को तो चले उसके ऊपर आगे बात करते हैं, व्हाट वेंट रॉन्ग आपकी नजर में, टर्निंग पॉइंट मैच का क्या था? देखिए टर्निंग पॉइंट तो मेन तो यही था, हम स्टार्ट करते हैं अगर उनके बैटिंग। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी एंकर का रिएक्शन था, बहुत मजेदार रिएक्शन था, और इतने क्या क्या वर्ड यूज करे यार भाई, पुरानी मोहब्बत, फिर पुरानी मोहब्बत के बच्चे आपको मामू कहते हैं, ये मतलब गजब की स्टोरी बताई इन्होंने, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ेदार रिएक्शन था। हालांकि हार जीत क्रिकेट में होती है, इंडिया पाकिस्तान में क्रिकेट का कीड़ा इतना ज़्यादा है कि हार कोई बर्दाश्त नहीं करते। हालांकि मुझे पता नहीं यार, इस बार पाकिस्तान से जब इंडिया सेकंड मैच हारा तो उतना बुरा लगा नहीं, मुझे पता नहीं क्यों नहीं लगा। पहला मैच जीते तो बहुत खुशी हुई थी, दूसरा हारे तो बुरा नहीं लगा, पता नहीं रीज़न क्या था। पाकिस्तान वो मैच इंडिया जीताया थी, आपको पता है कि भुवनेश्वर कुमार ने जो 19वां ओवर गलत डाला, मतलब रन ज़्यादा खा गए, और उसके अलावा सरदार जी अगर आशिफ अली का कैच पकड़ लेते तो शायद मैच पहले ही खत्म हो जाता। तो वो सरदार जी ने हालांकि कमबैक अच्छा किया था लास्ट ओवर में, बट रन ही नहीं थे, 7-8 रन थे तो क्या कहाँ से डिफेंड कर लेते वो, तो वो थोड़ा सा लगा नहीं। ठीक है होता है हार जीत, अब
बहुत देख लिया क्रिकेट, तो शायद इस वजह से हो रहा है ऐसा कुछ। आईपीएल भी बहुत देख लिया, तो अब हार जीत इतना मैटर करती नहीं है। लेकिन पाकिस्तान हालांकि करती है, कई बार ऐसा होता है कि यार कल पाकिस्तान की हार काफ़ी इन्जॉय की हम लोग ने, आपने, सब ने ऑब्वियसली, क्योंकि इनका मुंह बहुत चलता है, बहुत मुंह चलता है इनका सोशल मीडिया पे, इनके फैंस का, बाबर, रिजवान, फलाना ठिकाना। मैं गारंटी से कह सकता हूँ यार, बाबर आजम और रिजवान अगर किसी दिन फंस गए 180 का टारगेट चेस करते हुए ना बड़े मैच में, तो ये फिर ये वहीं पर चोक करेंगे। ये नहीं है T20 के प्लेयर, ये दोनों एंकरिंग प्ले करते हैं, एक को एंकरिंग प्ले करना चाहिए, एक को थोड़ा सा तेज खेलना चाहिए, तो ये चेंज ही नहीं कर पा रहे हैं गेम। हालांकि बाबर थोड़ा सा अनलग ही चल रहा है, बाबर अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, अनलग ही चल रहा है कि सॉफ्ट डिसमिसल हो रहे हैं। बाबर आजम कुछ ज़्यादा अच्छा प्लेयर है रिजवान से, रिजवान के पास ऑफ स्टंप पे शॉट नहीं है, लेग का एरिया बहुत स्ट्रांग है, लेकिन रिजवान रन बनाता है। लेकिन अगर आप 110 से के अंदर के स्ट्राइक रेट के रन बनाओगे तो वो टीम के लिए बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे नहीं होंगे। फिर आपको वही रहेगा कि लास्ट में आके कोई हिट करे, तो वो अगर आप ऐसा खेलोगे तो 180 तक पहुंचना, तो लास्ट में आके हिट करे, और वो पाकिस्तान में है नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो खत्म होता है, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब